वो हैलोजन के साथ ज्यादा सिमिलैरिटी शो करता है, फिर भी हम लोग उसको रखते किसके साथ है, अल्कली मेटल्स के साथ। क्यों ऐसा करते हम लोग, क्योंकि उसका ब्लॉक एस ब्लॉक है और एस ब्लॉक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्रुप बढ़। ठीक है, इस पर्टिकुलर रूल को आप फॉलो करके मॉडर्न पीरियडिक टेबल में सभी एलिमेंट्स को सजाएं। आप मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल का रूल बनाया गया था वो ये था कि जो हमारा प्रॉपर्टीज होता है, दीज आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ किसका, एटॉमिक। समझ में आया? तो उसके बेसिस पे हाइड्रोजन के अंदर जब उसका पोजीशन आप फिक्स करते हैं एस ब्लॉक में फर्स्ट, एस ब्लॉक में फर्स्ट। समझ में आया? लेकिन ये किस किस के साथ सिमिलैरिटी प्रॉपर्टीज शो करता है, अल्कली मेटल एज वेल एज हैलोजन, किसके साथ ज्यादा सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है, हैलोजन। फिर भी रखते किसके साथ है, अल्कली मेटल्स के साथ। समझ में आ रहा है सब कुछ? नाउ थिंक दैट इसका ऑक्यूरेंस, पूरा यूनिवर्स का लगभग 70% पोर्शन, यूनिवर्स का बात करें हम, अर्थ का बात नहीं, पूरे यूनिवर्स का लगभग 70% पोर्शन जो है वो हाइड्रोजन गैस से बना। ठीक है, तो पूरे यूनिवर्स में अगर तुम बात करोगे 70% बाय मास एग्जिस्ट इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में लगभग 70% जो है वो केवल हाइड्रोजन ही। ठीक है, अब इसके बाद जब आप अर्थ पे आते हैं, ऑन अर्थ, अर्थ का एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में नियर अबाउट 0.154% के आसपास हाइड्रोजन गैस है। और अर्थ के क्रस्ट पे अगर आप बात करेंगे तो याद रखना कि नियर अबाउट है ना लगभग 15% के आसपास वाटर का हाइड्रोजन गैस मौजूद। ठीक है, तो हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर बात करो तो लगभग 15% H2 मौजूद है। ठीक है, H2 मौजूद है किस फॉर्म में, मेनली मौजूद है पानी के फॉर्म में। और अगर एटमॉस्फेयर में बात करेंगे तो नियर अबाउट 0.1% के आसपास है ना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक लाइट गैस है, हाइड्रोजन एक लाइटर गैस है, हल्का गैस है। आपने सुना है ना कि बैलून के अंदर हाइड्रोजन गैस भर दीजिए तो उड़ने लगता है, हाइड्रोजन हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम ये दो तरह का गैस है जिसको अगर आप बैलून सब में भर देते हैं तो वो उड़ने लगता है। कारण है कि वो दे आर लाइटर देन एयर, उसका डेंसिटी जो है वो एयर से भी कम होता है, तो जैसे ही आप एयर में छोड़ते हो वो ऊपर की तरफ होता है। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे बात करोगे तो हाइड्रोजन ऑर्डरलेस, फेस्टलेस, कंबस्टिबल, लाइटर देन एयर एंड फिफ्थ इनसॉल्युबल इन वाटर, and also six colorless gas. So hydrogen odorless, tasteless, colorless, combustible, हवा से हल्का, insoluble in water, एक gas. ठीक है, ये पूरा का पूरा है ना हाइड्रोजन के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में आप देखते हैं। अब यहाँ आता है उसका आइसोटोपिक फॉर्म, आइसोटोप्स। बताओ जी हाइड्रोजन कितने आइसोटोपिक फॉर्म में एक्सिस्ट करता है, कौन कौन? प्रोटियम, जिसमें हाइड्रोजन बन बन है, सही ना? फिर कौन है? ड्यूटेरियम, जिसमें हाइड्रोजन बन टू है, करेक्ट ना? फिर कौन है? ट्रिटियम, हाइड्रोजन बन थ्री। क्या तीनों के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है? हाँ, प्रोटॉन का नंबर किसका नंबर अलग? न्यूट्रॉन। तीनों के अंदर न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, जीरो न्यूट्रॉन। ओके, जीरो न्यूट्रॉन।
इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, ठीक है। जो हमारे पास ट्राइटियम है, ऑब्वियसली सिंपल वाइज जाओ तो ड्यूटेरियम को डी से और ट्राइटियम को टी से आप दिखाते हैं। ट्राइटियम इज रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव है और नेचर में बहुत 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 ही कम मिलता है। अगर आप हाइड्रोजन के एग्जिस्टेंस का बात करते हैं, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन लगभग प्रोटियम फॉर्म में 99.9% होता है, 99.98% मान, लगभग 99.98% प्रोटियम के फॉर्म में रहता है, 99.9% अप्रॉक्स। सर ड्यूटेरियम में 0.15 के आसपास, और सर ट्राइटियम इसको तो हम लिख ही नहीं सकते। 10 टू द पावर 18 मॉलिक्यूल्स अगर लोगे अप्रॉक्स, कितना तो वो पता चला कितना है, 10 पावर 18 बता। 10 टू द पावर 18 मॉलिक्यूल्स अगर आप हाइड्रोजन का चुनोगे तो उसमें एक और ट्राइटियम मिलेगा, ट्राइटियम में। सर 10 पावर 18 मतलब कितना, ठीक है 10, अच्छा 1 करोड़ होता है 10 टू द पावर 7, 1 करोड़ इनटू 1 करोड़ 10 पावर 14 हुआ, ठीक है। और 10,000 और जोड़ दो तब 10 टू द पावर 18 हुआ, 10,000 गुणे 1 करोड़ इनटू 1। अभी हमारे पूरे अर्थ का जो पॉपुलेशन है दैट इज नियर अबाउट 750 करोड़, यहाँ बात है 10,000 गुने 1 करोड़ गुने 1 करोड़, करेक्ट, उसमें से एक, मतलब इसका भी कुछ लॉजिक होना चाहिए। इसका लॉजिक ये है कि पूरे धनबाद को रेत से भर दो, सैंड समझता है, और उसमें वो सरसों का दाना छोड़, सरसों का दाना जान, तो वो ट्राइटियम है, खोज लेना, ओके, नोट कर रहे हैं। ध्यान से देखो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, हाइड्रोजन गैस को मेनली आप है ना दो मेथड में बनाते हैं, एक आप लैब के अंदर बनाते हैं, दूसरा आप कमर्शियल यूज के लिए बनाते हैं। एक आप लैब में बनाते हैं, दूसरा कमर्शियल यूज के लिए बनाते हैं। लैब के अंदर लैब मेथड सबसे पहला है, जब आप जिंक को रिएक्ट करा देते हैं, जब आप जिंक को रिएक्ट करा देते हैं HCl के साथ, तो ये फॉर्म करता है जिंक ZnCl2 और साथ में H2SO4, ओके। लैब के अंदर अगर आप जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराएं, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ऐसे केस में जिंक ZnCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। दूसरा है, अगर आप जिंक को बेस NaOH के साथ रिएक्ट करा दें तो बनता है सोडियम जिंकेट और साथ में इसको गैस रिलीज, नाम है इसका सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट और साथ में इसको गैस रिलीज। तो लैब के अंदर मेनली अगर बोलो कि हाइड्रोजन को प्रिपेयर करना है, लैब के अंदर जो प्रिपेयर होने वाला हाइड्रोजन उसको आप मेनली इस दो मेथड से बनाओ, ठीक है। जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन, HCl का रिएक्शन, कभी 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 देखो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए आपको लगा दो, ये बैलेंस है क्या, मैं फिर से यहाँ टूला रहा हूँ, ठीक है। एक चीज और सुन लीजिएगा, इनऑर्गेनिक का पढ़ना स्टार्ट कर दिया, रिएक्शन आने लगा है, जब तक इनऑर्गेनिक का रिएक्शन आप बैलेंस करके नहीं लिखते हैं वो गलत माना जाता है। सो इनऑर्गेनिक में आप जितने बार भी रिएक्शन लिखेंगे हर बार आप बैलेंस जरूर करते हैं, ठीक है, नहीं तो स्कूल में काट दिया जाएगा, बोलेगा हम बार बार बोल रहे हैं कि बैलेंस करना जरूरी है। आप याद नहीं क्लियर कर सकते बैलेंस करके, आपको याद कैसे करना पड़ेगा, भाई जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स ZnCl2 एंड हाइड्रोजन, आपको याद ऐसे करना है, ऐसे बिल्कुल मत रखना Zn प्लस HCl एरो ZnCl2 प्लस H2, सबसे गंदा तरीका। आपको लैंग्वेज बोलना पड़ेगा, व्हेन जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड
then zinc chloride and hydrogen gas will produce. आप लाइन अच्छे से आते हैं. When zinc react with sodium hydroxide, then sodium zincate along with H2 gas is formed. समझ में आया? ऐसे लाइन बोले. इस लाइन से तुमको दो तीन फायदा होता है. एक तो तुमको उसका नाम याद रहेगा, जो इनऑर्गेनिक का बहुत बड़ा मसला होता है. बहुत कुछ आप याद करिए, Zn plus NaOH, ZnN, Na2, ZnO2 plus H2. अब वहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि क्या बनता है हाइड्रोजन के साथ, नाम दिया नीचे सोडियम जिंकेट. तो वो पता नहीं कि Na2 ZnO2 को सोडियम जिंकेट कहते हैं, समझा? तो याद इस तरीके से करना है, बात बोल बोल के पढ़ना, ठीक है? फॉर्मूला को ऐसे नहीं पढ़ना, Zn plus 2HCl arrow ZnCl2 plus H2, इस तरह एकदम गंदा तरीका, तो वो समय पर कंफ्यूज कर. इसको और लिखने का तरीका देखिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जिंक को अगर आप 2H+ के साथ रिएक्ट कराएंगे तो Zn plus 2 बनेगा और साथ में H2 कैसे रिलीज होगा, तुमको पता चला ये रेडॉक्स है. दिमाग लगाओ, ये रेडॉक्स है, किसका ऑक्सीडेशन है, जिंक का. किसका रिडक्शन है, H+ का है, ठीक है? तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, आप चाहेंगे तो बैलेंस उसके हिसाब से भी कर सकते हो. तो लैब टेंशन नहीं. अब देखो, लैब में जब जिंक बन जाता है ना, तो उसको कलेक्ट कैसे करते हैं, तो हम आपको थोड़ा आपके 10 का थोड़ा रिवीजन करा दें. इसको हम लोग डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं टू कलेक्ट एनी गैस. देखिए, जिसमें पानी ले लिया गया, इसमें एक इन्वर्टेड ट्यूब ऐसे डाल दीजिए. लैब के अंदर जो भी जिंक बना उसको इस पाइप की मदद से ला के यहाँ घुमा के यहाँ एंटर करना. इधर हाइड्रोजन गैस बना है सर, कैसे बना है, तो इधर से कोई मेथड लगा होगा, लेफ्ट हैंड साइड में कोई मेथड, ठीक है? हाइड्रोजन गैस बना, इस पाइप के सहारे आया और सहारे से यहाँ से निकला और ऊपर में कलेक्ट हो गया, तो क्या बोल सकते हैं यहाँ H2 गैस कलेक्टेड. बोलो, समझ में आ रहा है, ठीक है? कोई कोई क्या करता है, कोई कोई एक्सपेरिमेंटर क्या करता है, पानी में थोड़ा सा सोप मिला देता है. पानी में थोड़ा सा सोप मिलाना बिना सोप के काम करने का अंतर क्या है? देखो, सोप मिला देगा ना तो वहाँ बबल बनता है, तुम्हें देखा कोकमार बबल बनता है, तो वहाँ क्या होगा, नीचे से जब H2 गैस पास होगा तो यहाँ बबल बनते रहेगा, तो तुमको पता चलेगा हाँ मेरे रिएक्शन हो रहा है, तभी तो गैस आ रहा है, ठीक है? और अगर सर हम लोग सोप नहीं मिलाएंगे तो क्या होगा, गैस इकट्ठा हो रहा होगा, तुमको पता नहीं चलेगा, बस समझा? अब जो गैस इकट्ठा हुआ उसको फिर हम लोग कैसे एग्जामिन करें कि वो हाइड्रोजन गैस है, तो एक जलता हुआ फ्लेम उस गैस में ले जाओ, पॉप साउंड करके है ना बंद. हाइड्रोजन गैस का प्रेजेंस चेक करने का ये एक एक्सपेरिमेंट कि पॉप साउंड के साथ है ना वो फ्लेम के साथ जल जाता, ठीक है? तो ये सर समझ में आया, इसको हम लोग कहते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट. तो ये था हमारे पास लैब मेथड कि हाइड्रोजन आप कैसे प्रिपेयर करेंगे और कैसे कलेक्ट करेंगे. 10 में आपको बताया गया है कैसे आप चेक करेंगे कि जो गैस बना है वो हाइड्रोजन है, तो फ्लेम के साथ पॉप साउंड करके ना जलता है, कंबस्टिबल. अच्छा, एक चीज और, पानी क्यों लिया गया नीचे, कोई भी पानी क्यों लिए, एक बात कीजिए ना, थोड़ा खुल के बात कीजिए. और पानी का दूसरा प्रॉपर्टी पता है क्या है, कि ये जो हाइड्रोजन गैस है वो इसके साथ इनसॉल्युबल है, मतलब पानी से वो घुलेगा नहीं, ऊपर आ जाएगा. अगर आप कोई दूसरा लिक्विड यूज करेंगे तो हाइड्रोजन में भी हो सकता है सॉल्युबल, और दूसरा लिक्विड क्यों यूज करेंगे, जो सबसे सस्ता वही यूज करेंगे, पानी, ठीक है? एक तो इनसॉल्युबल भी है. अब क्यों बोल, कोई बोलेगा सर मर्क्यूरी के साथ भी इनसॉल्युबल, तो ले आया जो एक्सपेरिमेंट 5000 का होगा उसके 50000 लगा, मतलब ये सब चीज का ध्यान रखा जाता है. तो पानी इसलिए यूज करते, एक तो वो इजीली अवेलेबल है और दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट नहीं करता, एकदम सही. अब आ जाओ कमर्शियल मेथड, कमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन. क्या आप लोगों को याद है, लोअर क्लास में आप लोग पढ़े इलेक्ट्रोलिसिस, क्या पढ़ा है, बोलो क्या पढ़ा है?
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर ब्रेक हो गया। चलिए बढ़िया, हम आपको कुछ और सिखा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। है यही चीज जो तुम्हारा जानकारी है वही है। अब थोड़ा 11 वाला बात है। देखो भाई यहाँ पे मान लो कि यहाँ पानी है, वैसे हम पानी नहीं बोल रहे, हम बोल रहे एक्वस सॉल्यूशन है कुछ। इसमें एक मेटल का रॉड है, ये दूसरा मेटल का रॉड है, और इसको आप बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ दिए हैं। बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है उसका नाम एनोड है, पॉजिटिव है, और बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा है उसका नाम कैथोड है, नेगेटिव है। ओके, नीचे जो आप देख रहे हो, अच्छा ये पिछले दिन पढ़ के गया था ना इस तरह का सर? अरे नहीं पढ़ा है, उसमें दो वो था, यहाँ एक ही इलेक्ट्रोड है, यहाँ एक ही कंटेनर, उसमें दो वो रॉड है, और पिछले दिन दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग कंटेनर में था। ठीक है, पिछले दिन वाला का नाम था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये फेनोमेनन है इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ आप करंट इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल एनर्जी क्रिएट करते हैं, और वहां केमिकल एनर्जी से करंट इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं। समझ रहे? जो पिछले दिन आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ के गए थे उसका रोल था कि रेडॉक्स में जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है उसके मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाना। ठीक, इसका रोल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल रिएक्शन जनरेट करना। समझ में आया? दोनों उल्टा। ठीक है, अब यहां देखो, जब आप सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें कोई केटायन और कोई एनायन होगा ना। ठीक है, बताओ एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो पिछले दिन वाला या इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो आज वाला, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। क्लियर है? अब यहाँ तुम ही देखो, ये माइनस है तो ए चलेगा माइनस की तरफ, और ये प्लस है तो बी चलेगा प्लस की तरफ। आप जो भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस लिखते हैं ना, उसमें जो प्रोडक्ट आप लिखते हैं एनोड पे और कैथोड पे, जो प्रोडक्ट बनता है उसको आप लिखते हैं, वो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलता है। ठीक है, अब देखो एक एक करके। सबसे पहला इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस। बोलो H+ किस पे तुमको मिलेगा? हाइड्रोजन किस पे मिलेगा? एनोड पे कि कैथोड पे? सोच के बोलो यहां, कैथोड पे। H+ है तो A+ इधर जा रहा है, उधर जाएगा, तो एट कैथोड जिस पे रिडक्शन होना है वहां H+ इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 में कन्वर्ट होगा। थोड़ा बैलेंस कर लो, यहां दो लगा दो, यहां दो लगा दो, तो सही है। तो जब आप पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जब आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो कैथोड पे आपको H2 मिलता है, एनोड पे क्या मिलेगा? एट एनोड ऑक्सीडेशन होगा और क्या मिलेगा? O2 मिलेगा, O2 ऑक्सीजन गैस। देखिए आपको लिखने का, देखिए हम अभी हाइड्रोजन पढ़ा रहे हैं तो नीचे वाला लिखना नहीं चाहिए, इससे आपका कॉपी और बड़ा हो जाएगा, तो आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं OH- changes to पानी and release of oxygen। ठीक है, आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा, चार लीजिएगा, यहाँ पे है ना दो हो गए, यहाँ दो लगा दो, ये दो हो गए या चार लगा। ठीक है, आपको अभी इसका जरूरत नहीं, बस ये आपके नॉलेज के लिए बता दी कि जब आप पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कैथोड पे आपको हाइड्रोजन मिलेगा, तो एनोड पे कौन मिलेगा? एनोड पे ऑक्सीजन गैस। क्लियर? अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस में जो बना हुआ हाइड्रोजन है उसको अगर और भी ज्यादा प्योर करना है, और भी ज्यादा प्योरिटी को बढ़ाना है, तो यही रिएक्शन बेरियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में करा, बेरियम हाइड्रोक्साइड टू इंक्रीज प्योरिटी लेवल ऑफ H2 यूज बेरियम हाइड्रोक्साइड। आप बेरियम हाइड्रोक्साइड को यूज करेंगे तो हाइड्रोजन जो आप कलेक्ट करेंगे वो और भी ज्यादा प्योर होगा। दो तीन और चीजें हैं जिसको आपको ऐड करना चाहिए। ठीक है, ये तरीका है जहां हाइड्रोजन से आपको है ना इस तरीके का कम मिलता है। थर्ड,
एक और मेथड है जिससे आप हाइड्रोजन को प्रिपेयर करते हैं, वो होता है ब्रैंग सॉल्यूशन। आपको नाम सुने ब्रैंग सॉल्यूशन क्या होता है? NaCl का सॉल्यूशन, सही है। जब आप ब्रैंग सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड विल फॉर्म अलॉन्ग विथ H2 गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है अलॉन्ग विथ H2 गैस। देखिए अगर आप इसका रिएक्शन लिखिएगा, हम आपको रिएक्शन लिख देते हैं। देखिए NaCl होगा ब्रैंग सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रोलिसिस का पानी रहेगा, ये तुमको बना के देगा NaOH, साथ में H2 और साथ में Cl। रिएक्शन बैलेंस करना है, बैलेंस कर लेना, यहाँ टू लगा देना, वहाँ टू लगा देना, यहाँ टू लगा देना, यहाँ टू लगा देना, जो बैलेंस है। ठीक है, तो ये बैलेंस हो। आपको पता है ऐसे होता नहीं, काम होता होता है। आप ऐसे इसको पढ़ लेते हैं जबकि ऐसा कुछ होता है, होता है वहां रेडॉक्स, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। लेकिन आप कैसे याद रखिएगा, आप ऐसे याद रखिएगा कि जब हम लोग ब्रैंग सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एनोड बनता है, साथ में H2 गैस और साथ में Cl। ठीक है, H2 गैस कहाँ आता है? H2 गैस नहीं आता है जहां आपका है ना फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में दो पार्ट में डिवाइड होता है, हम आपको बता दें। आप यहाँ क्रमांक हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ और एनोड पे क्लोरीन गैस रिलीज हुआ। आप देखो
ओवरऑल कोई बोले कि सर ओवरऑल एडॉप्स एक से लिख दीजिए, ओवरऑल एडॉप्स के लिए दोनों को ऐड करोगे, समझ रहा? पिछले दिन का चीज बस फिट करे, थोड़ा जल्दी भी बोलो ताकि समझ में आ रहा। दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे, जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन बेटा तुम्हारे पास आ गया, दो सीएल माइनस, दो वाटर एरो सीएल टू गैस एच टू गैस और दो ओएच माइनस, करेक्ट है? लेकिन रिएक्शन में जो मेन रिएक्शन था उसमें तो सोडियम दिया हुआ था, इसमें तो नहीं आया, तो उसी को तो आप स्पेक्टेटर आयन कहते हैं, स्पेक्टेटर आयन। अब देखो दो सीएल माइनस और दो एच माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए दो एन ए प्लस लेफ्ट में और दो एन ए प्लस राइट में जोड़ दो, करेक्ट है? अब आपका फाइनल रिएक्शन बन के तैयार हो जाता है टू एन ए सी एल प्लस टू वाटर एरो सी एल टू एच टू और साथ में टू एन ओ एच, करेक्ट है? आप अगर हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन चैप्टर में आपको बोल दिया जाता है कि जो हाइड्रोजन गैस है, जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पे इकट्ठा हुआ। बट अगर आप जब कंपटीशन में बैठिएगा उसको किसी चैप्टर से मतलब नहीं, वो तो तुमसे पूछेगा कि अगर हम लोग है ना ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कौन कौन सा गैस किस किस इलेक्ट्रोड पे आता है, तो आपका एच2 गैस किस पे आता है, कैथोड पे, और एनोड पे कौन आता है, क्लोरीन, एनोड पे कौन आता है, क्लोरीन। तो ये आपको याद होना चाहिए कि एनोड पे आपको क्लोरीन मिलेगा और कैथोड पे आपको हाइड्रोजन, बिकॉज आप अभी हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं तो आपका फोकस H2 रहता है, हम लोग H2 के बारे में बात करते रहते हैं। लेकिन जो दूसरा चीज भी चल रहा होता वो भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, नहीं बोल रहे ज्यादा कम, हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे कि हाइड्रोजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन कम इंपॉर्टेंट है, हम बोले इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहा है वो हाइड्रोजन चैप्टर से नहीं होगा, क्वेश्चन, ठीक है? तो उसको जैसे मन वैसे मॉडुलेट करता है। अभी आप लोग पीएच जानते हैं, पीएच, ठीक है? आप सोच के बताइए तो कि जब ये रिएक्शन हो रहा है तो सॉल्यूशन का पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, सेम रह रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, कुछ सोचो। एक्चुअली पीएच बढ़ रहा, कैसे पता? ओएच माइनस बन रहा यार, हाँ ओएच माइनस बन रहा, ओएच माइनस मतलब बिकम्स मोर एंड मोर बेसिक, और मोर एंड मोर बेसिक है तो पीएच गोज ऑन इंक्रीजिंग, ये सब चीज रिएक्शन में छिपा होता है। इनऑर्गेनिक में जिससे आपको बोला जाता है ना कि रट लीजिए काम हो जाएगा, रटिएगा काम नहीं, बस समझना पड़ेगा हर लाइन को, घुमा घुमा के एक ही चीज को पूछता है, ठीक है? इस एक रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बताओ, कौन कौन सा गैस कहाँ कहाँ इकट्ठा हो रहा वो बताओ। चल मतलब एक चीज और सुनो, हमारे पास दो चीज था, एक सी एल माइनस था और एक ओ एच माइनस था, लेकिन सी एल माइनस ही एनोड पे गया, इसका मतलब किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर है, Cl minus, OH minus का नहीं। तो Cl minus और OH minus में अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछे तो Cl minus है। इतना सारा चीज छिपा हुआ, ठीक है? आप खाली रिएक्शन रख लीजिएगा, बोलिएगा कि हाँ सर NCERT पूरा पानी की तरफ पी गए हैं, तो पानी तरफ पीना नहीं है, थोड़ा माथा पे छिटकना है, समझ गए? तो ऐसा ऐसा चीज है, ध्यान से सोच सोच के चलना है। तो ये चला, इसके बाद इसको प्रिपेयर करने का कितना दम पड़ता है, दो तीन इसके बाद उसको प्रिपेयर करने का जो रिएक्शन है उसको आप बहुत फेमस वे से जानते हैं, नाम है उसका वाटर गैस रिएक्शन, आपने सुना है वाटर गैस, ठीक है? वाटर गैस क्या होता है, वाटर गैस रिएक्शन, जब आप मीथेन को रिएक्ट कराते हैं बोलेंगे तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तो बनता है CO plus H2 गैस, बैलेंस कर लो यार, इस CO plus H2 गैस को कलेक्टिवली आप वाटर गैस कहेंगे, CO plus 3H2 को आप कलेक्टिवली वाटर गैस कहेंगे। अब देखो यहाँ पे जो पानी लिखा हुआ है वो पानी लिक्विड वाला पानी है कि ठोस वाला पानी है कि वेपर वाला पानी, कैसे तुमको पता चला?
टेम्परेचर 1270 है, 373 में वेपर बन जाता है, 373 क्या 100 डिग्री सेल्सियस, तो 373 पे ही वेपर बन जाता है या 1270 लिखा हुआ है। तो याद रखिए कि व्हेन हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद स्टीम नॉट वाटर, व्हेन हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद स्टीम इट गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज कलेक्टिवली कॉल्ड वाटर गैस, इसको हम वाटर गैस। और ये हाइड्रोजन यहां लिक्विड नहीं है, ये किस फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में है या स्टीम फॉर्म में, बस समझिए कैसे पता चला आप लोगों को, रिएक्शन का टेंपरेचर आपको हर जगह नजर रखना पड़ता है, यहां पानी लिखे लिक्विड वाला लिखे तो समझ रहा, तो आप 1200 इसको कहते हैं वाटर गैस रिएक्शन। जो हमारे पास बना हुआ वाटर गैस है, फॉर्म्ड वाटर गैस, फॉर्म्ड वाटर गैस इज वेरी यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ गैस सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल जानते हो, बोलो बोलो CH3OH एंड अदर हाइड्रोकार्बन ठीक है। मतलब आप अगर चाहेंगे तो वाटर गैस से मिथेनॉल बनाते हैं, बहुत तरह तरह का हाइड्रोकार्बन भी बनाते हैं, इसलिए वाटर गैस को एक और नाम दिया है सिंथेसिस गैस, जिससे आप बहुत सारी चीजें सिंथेसाइज कर सकते हैं, सिंथेसिस गैस या फिर सीन गैस SYN ठीक है। इसलिए वाटर गैस इज ऑल्सो कॉल्ड सीन गैस, एक्चुअली सिंथेसिस गैस होता है, शॉर्ट फॉर्म में सीन गैस ही लिखा जाता है ठीक है। समझ गया क्यों कहते हैं वाटर गैस को सिंथेसिस गैस, क्योंकि उसके मदद से आप मिथेनॉल बनाते हैं, अलग अलग तरह का हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, इसलिए वाटर गैस को आप सिंथेसिस गैस भी कहते हैं। आइए थोड़ा और आगे बढ़िए, वाटर गैस में जो बना हुआ CO और H2 है ठीक है, इसमें अगर आप CO को पानी के साथ रिएक्ट करा देंगे तो ये CO2 बन जाएगा, फिर से H2 गैस निकल जाएगा, बोलो सही है, जो बना हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको अगर आप H2O के साथ रिएक्ट करा देंगे तो वो एक और ऑक्सीजन गेन करके अपने आप को CO2 पे ले जाएगा, साथ में H2 गैस फिर से रिलीज, इसको कहते हैं वाटर गैस सिप रिएक्शन, वाटर गैस सिप रिएक्शन, इसको क्या नाम देते हैं वाटर गैस सिप रिएक्शन, और टेम्परेचर होता है लगभग 673 केल्विन के अप्रॉक्स है ना, लगभग टेम्परेचर होता है ठीक है। अब यहीं पे एक और काम होता है, चारकोल के साथ भी अगर आप चाहें, चारकोल कार्बन, चारकोल के साथ भी अगर आप चाहें तो स्टीम का रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 मतलब वाटर गैस बना सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन, कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन, जिसमें आप कार्बन चारकोल के फॉर्म में लेंगे और फिर से आप स्टीम के साथ रिएक्ट कराएंगे, 1270 केल्विन तो आपको मिल जाएगा CO plus H2, देखो तो बैलेंस है, अगेन वाटर गैस, तो ये तुम्हारे पास था कि कैसे कैसे आप है ना हाइड्रोजन को कमर्शियली प्रिपेयर करते हैं, लैब में कैसे बनाते हैं बोलो तो, उधर नहीं देखते जिंक और HCl, एक मेथड, दूसरा जिंक और NaOH ठीक है, कमर्शियली कैसे कैसे बनाते हैं बोलो तो, खाली मेथड बोल देना अभी रिएक्शन में, एक है पानी का इलेक्ट्रोलिसिस, दूसरा है ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस, अगर पानी के इलेक्ट्रोलिसिस में जो बना हुआ हाइड्रोजन है ज्यादा प्योर चाहिए तो BaOH2 यूज करो सही है, और तीसरा है तुम्हारे पास ये चल रहा है वाटर गैस रिएक्शन, वाटर गैस सिप रिएक्शन, कोल गैसिफिकेशन ठीक है, ये मेथड है प्रिपेयर फॉर कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन ठीक है, नोट करो यहां पे।
जितना छोटा बॉन्ड होता है तोड़ना मुश्किल, ठीक है। हाइड्रोजन का बॉन्ड SS ओवरलैपिंग से बहुत ही छोटा होता है, तो उसका ब्रेकिंग बिकम्स मच डिफिकल्ट। सो इन केस ऑफ सिंगल बॉन्ड इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। यहाँ पे बता दी, अब लड़ाई मत करना कि वाला रूल सर पूरे केमिस्ट्री में लगेगा क्या, नहीं, थोड़ा और आगे आइएगा तो रूल पलटता है, ठीक है। अब यहाँ पे यहीं का बात यहाँ पे करें, ठीक है, दूसरे का बात यहाँ, तो सिंगल बॉन्ड। अब हुआ क्या, इसी दिन को ये पता चल गया कि जब भी हाइड्रोजन कहीं रिएक्शन शो करेगा ना, या तो काफी एक्टिव होना चाहिए वो जो उससे रिएक्ट करने आ रहा है, या टेम्परेचर ज्यादा होगा, या तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, नहीं तो काफी एक्टिव होगा वो जिससे ये रिएक्ट करने आ रहा है, या जिससे जो इससे रिएक्ट करने आ रहा है। इसलिए हाइड्रोजन का रिएक्शन एक्टिव कैटेगरी में होता है, जहां दूसरा बहुत ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, जैसे हैलोजन्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मतलब पीरियोडिक टेबल का उधर, या फिर एकदम इधर वाला मेटल्स। मेटल से हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, उस समय हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को स्टेबल करता है, और नॉन मेटल से मतलब क्लोरीन, हैलोजन बोलो, ऑक्सीजन बोलो, नाइट्रोजन बोलो, इन सब से जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे दे, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन इससे दूर रहता है, इसके प्लस रहता है। समझ में आया, हर चीज का एक लॉजिक है, आखिर यही क्यों लिख रहे, तो उसके पीछे। अब तुम देखना हाइड्रोजन का रिएक्शन तुमको बहुत ही कम मिलेगा जहां वो सीधा आयरन से रिएक्ट कर जाए, कोबाल्ट से रिएक्ट कर जाए, ऐसा नहीं कि सब कंपाउंड बनता नहीं, उसको हम लोग इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है, 12 का सॉलिड स्टेट इंटरस्टीशियल कंपाउंड कहते हैं। इंटरस्टीशियल कंपाउंड कहने का मतलब, देखो जैसे मान लो तुम लोग सब आयरन का आइटम, ठीक है, आयरन का आइटम है, आयरन बड़ा बड़ा आइटम है, समझा, आयरन है ना, समय में इस तरह से क्रिस्टल में अरेंज है आयरन, अब इसमें क्या हुआ, ये हाइड्रोजन है, चुपके से बैठ, ठीक है, इसको कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, उसका भी हाइड्रोजन फॉर्मेशन करता है, प्योर क्रिस्टल के अंदर जाके कहीं ट्रैप हो जाता है, रिएक्ट नहीं करता, क्या बोले, ट्रैप कर जाता है, उसको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है, उसको थोड़ा अलग करता है। इन चीजों को पढ़ते हैं। अभी देखो इसका रिएक्टिविटी सबसे पहले रिएक्शन विद हैलोजन, हैलोजन के साथ रिएक्शन, जब आप H2 को रिएक्ट कराइएगा H2 के साथ, तो ये फॉर्म करता है 2HX, सबसे तेजी से रिएक्ट करता है फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, और सबसे स्लोली रिएक्ट करता है आयोडीन। फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, कारण मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन वाला मोस्ट रिएक्टिव, हाईली एक्सोथर्मिक। अच्छा आप लोग एक्सोथर्मिक समझते हैं क्या हो, एनर्जी रिलीज, ठीक है, हाँ, I2 जो है वो लेस रिएक्टिव है, या अल्कोहल यहाँ लीस्ट रिएक्टिव आपको लिखना चाहिए, और I2 के साथ जो रिएक्शन होता है वो किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, विद कैटलिस्ट, जब कैटलिस्ट डालेगा तब रिएक्ट करेंगे आयोडीन के साथ, ठीक है, समझ में आ रहा सब कुछ, सीक्वेंस कैसे चल रहा है। अब आगे आओ, ये तो था हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, दूसरा बताइए ऑक्सीजन, फेमस ना, इसी में तो हम लोग जिंदा है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन H2+O2 एरो पानी, क्या सही है, और यहाँ पे जो डेलेज है वो निगेटिव होता है, निगेटिव कहने का मतलब H2 फर्मी होता है, एक्सोथर्मिक हीट इज रिलीज्ड, सही है। अगला है थर्ड है रिएक्शन विद नाइट्रोजन, आपको पता है अमोनिया बनता है, जब आप H2 को N2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो अमोनिया बनता है 2H3, थोड़ा बैलेंस कर लेंगे, यहां 3 लगा देंगे। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हैबर प्रोसेस, कभी कभी आपसे नाम से पूछ सकता है, हैबर प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हैबर प्रोसेस, ठीक है, नाम से भी पूछा जाता है। इसमें अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, इस केस में अगर टेम्परेचर का बात करें तो लगभग है ना 673 केल्विन के आसपास होता है, और प्रेशर लगभग 200 ATM के आसपास होता है,
कैटलिस्ट के तौर पे अगर तुम बात करोगे तो आयरन होता है या फिर मॉलिब्डेनम ऑक्साइड या फिर Al2O3। सर इतना हम लोग को याद करने का जरूरत नहीं, ठीक है? आप टेंशन ना लें, आप इतना याद करें, आप शुरुआती फेज में हैं, चीज़ों को आप उतना ही अपने अंदर लें जितना आप संभाल सकते हैं, ठीक है? इसलिए हम सर कुछ लिख भी नहीं, जो आपके काम का चीज़ है वही, ठीक है? टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये सब अभी तुम्हारे काम का, बस समझ गए? तुम ही को बताएंगे लेकिन समय पर बताएंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ रहे हो? एकदम ईजी गोइंग जाओ, चीज़ को हार्ड मत करो, पहले समझो, कंप्लीट कर लेंगे जब समय आएगा तो कर लेंगे। तो सबसे पहले हैलोजन के साथ रिएक्शन, उसमें क्लोरीन सबसे ज्यादा एक्टिव, सबसे कम आयोडीन, ऑक्सीजन के साथ पानी बन जाता है, नाइट्रोजन के साथ अमोनिया बन जाता है। प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं? हैबर प्रोसेस। बोलेगा हैबर प्रोसेस का रिएक्शन लिखने, लिख देते। बोलेगा नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन लिखने, लिख देते, ठीक है? पानी यहाँ है। इसके अलावा हाइड्रोजन का एक और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, वो ऑर्गेनिक में एडिशन रिएक्शन में बहुत काम आता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब देखिए हम आपको पढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो छोटा सा उधर कोना चुने, मैं तो जो लोग 12 वाला क्लास कर रहा है ऑर्गेनिक का, वो समझ रहा है बात, 3 दिन पढ़ाएंगे तो ही उसका रिएक्शन खत्म है। आपको बस मोटा मोटा चीज अभी समझ, हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर इंगेज होता है, मेनली रिएक्शन शो करता है विद एल्कीन, समझे? एल्कीन आप जानते हैं, एल्कीन कोई फॉर्मूला बस C2H4, C2H4, ठीक है? चलो C2H4, चलो H कंप्लीट कर दे तुम्हारा, ये देखो C2H4 है। आप इस तरह के एल्कीन के साथ H2 को रिएक्ट कराएंगे तो बनता है एल्केन। ये H है, ये H है, ये H है, ये H है, इधर भी H है, ये H, ठीक है? इसको हम लोग कहते हैं एडिशन रिएक्शन, नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उतना नहीं जाना, ये एडिशन रिएक्शन। क्या बोले? एल्कीन के साथ, इवन एल्काइन के साथ भी आप इसको रिएक्ट करा सकते हैं। एल्काइन का एक फॉर्मूला बोलो, C2H2, ये तो C ट्रिपल बॉन्ड, H और H, ठीक है? अब बताओ यहाँ पे एक H ऐड होगा कि दो H ऐड होता है? दो H ऐड होगा, नहीं चलता। अरे यार एक बॉन्ड था वहाँ, डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूटा तो एक H आया, यहाँ एक बॉन्ड रहेगा दो बॉन्ड टूटेगा, दो बॉन्ड टूटेगा तो चार हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है? और आपके पास बन जाएगा सिलिकॉन C, एक रह गया H, 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 H-N-H. तो ये सब ऑर्गेनिक में बहुत सारा रिएक्शन है, आपको इंट्रोड्यूस करा दिया गया, ठीक है? चलिए इतना नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? सर हाइड्रोजन और क्यों थक गया क्या?